गामी साहब, ये फरमाइए कि जो इल्हामी मज़ाहिब हैं उनमें शरिया का कंपोनेंट क्यों है? क्या सेकुलर लॉज के ज़रिए से दुनिया ठीक नहीं हो सकती? ये जो कवानीन हैं, ये तो आप जानते हैं कि हर माशरे की ज़रूरत है। आप अमरीकी माशरे में रहते हैं, ये एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि इस वक्त दुनिया में जो रियासत के तसव्वुरात हैं उनके लिहाज से जदीद तरीन माशरा है। यूरोप में आप रहते हों, आप हमारे मुल्कों में रहते हों, हर जगह कुछ ना कुछ कवानीन ज़ाबते चाहिए होते हैं। अल्लाह का दीन क्या है? अल्लाह का दीन हमें प्योरीफाई करने की तालीम देता है। प्योरीफिकेशन, ये दीन का मकसद है, हम ज़्यादा से ज़्यादा पाकीज़ा हों। खुदा का ऐलान ये है कि मैंने जो हमेशा की दुनिया बनाई है, जिसको जन्नत कहा जाता है, उसमें सिर्फ पाकीज़ा लोग आबाद हो सकेंगे। तो ये पाकीज़गी हासिल करने के लिए भी कुछ कवानीन की ज़रूरत है, यानी कुछ तालीमात हैं जो बता दी गई हैं, और कुछ चीज़ों को ज़ाबते और कानून की शक्ल दे दी गई है ताकि इंसान को उस मकसद के लिए भी रहनुमाई हासिल करें। रियासत में जो कवानीन बनाए जाते हैं ये अमन व अमान कायम करने के लिए बनाए जाते हैं। जो शरीयत के कवानीन हैं ये पाकीज़गी को महफूज करने के लिए बनाए जाते हैं। तो दोनों का मकसद बिल्कुल अलग है।